अब स्टूडेंट्स मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन का 2x2 ऑर्डर का आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, जिसमें ये मेरे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2111। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए मैं आपको अगर एक एल्गोरिथम, एक छोटा सा एक एल्गोरिथम बता दूं कि हमें कौन से स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 लेके आना है, नंबर 2 पर हमें इसके बाद यहाँ पर 0 लेके आना है, इसके बाद हमें यहाँ तीसरे नंबर पर यहाँ पर फिर 1 लेके आना है, चौथे नंबर पर हमें यहाँ पर 0 लेके आना है। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है, I होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर A है ये, और आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप लिखिए A इज इक्वल टू I इंटू A, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि I से जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे, जिस मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। तो A इज इक्वल टू I A लिखना है। आपने जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें A इज इक्वल टू I A होता है, जबकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आपका A इज इक्वल टू A इंटू I होता है। ये बात ध्यान में रखनी है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में A इज इक्वल टू I इंटू A लिखना है, A को पोस्ट एज अ पोस्ट मल्टीप्लायर लेना है, I को एज अ प्री मल्टीप्लायर लेना है, ठीक है जी। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है आपके पास, कहीं आप इसको उल्टा लिख देंगे आपका सॉल्यूशन पूरा गलत समझा जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। अब इसके बाद A आपके पास क्या है, 2111 I 1001 A। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करके अब यहां पर ऐसे ले आएंगे कि यहां पर I बन जाएगा और यहां पर एक और मैट्रिक्स, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इससे ये बन जाएगा, इधर से एक और मैट्रिक्स आ जाएगी और ये बी आ जाएगी, ये सॉरी ए है। तो ये आई हो गया, ये ए है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ए इनवर्स, क्योंकि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आई आता है। तो इसका मतलब हमें ट्रांसफॉर्मेशन करते 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 इसको आई बनाना है, तो इधर अपने आप ए इनवर्स आ जाएगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूं उसका सोल्यूशन क्वेश्चन का। मैंने आपको पहले बताया मेरा पहला स्टेप रहेगा कि मैं इस पोजीशन पर 1 बनाऊंगी सबसे पहले, सेकंड स्टेप रहेगा कि इस पोजीशन पर 0 बनाऊंगी, थर्ड स्टेप रहेगा कि इस पोजीशन पर 1 बनाऊंगी, फोर्थ स्टेप रहेगा कि इस पोजीशन पर 0। मैंने यहां पर ये एरोज डाल के आपको दिखा दिया मुझे करना क्या है। तो पहला स्टेप क्या है, यहां 1 बनाना है, मुझे 1 बनाना है, कैसे बनाऊ, अरे मुझे दिख रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन सारी रो में करनी है। मैं अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं अगर आपस में, मैंने पहला आपको यही लिखा था कि हम दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो मैं अगर इस, मुझे यहां 1 चाहिए, यहां 1 है, मैं इस पूरे को ऊपर ले आऊं तो ये अपने आप यहां पर 1 आ जाएगा, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर करनी है वही इधर करनी है। तो ठीक है, मुझे रो 1 और 2 को इंटरचेंज करना है, रो 1 इंटरचेंज विद रो 2, ये इंटरचेंज का साइन है ये। तो अब आपका रो 1 1-1 हो गया, रो 2 2-1 बन गया, और इधर भी ऐसे होगा, ये ऊपर चल, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट में चलेगा वही ट्रांसफॉर्मेशन राइट में चलेगा, ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। चलो जी, मेरा पहला स्टेप तो हो गया, पहला स्टेप था यहां 1 लाना, दूसरा स्टेप है यहां 0 लाना। यहां 0 लाने के लिए ये कौन सी रो में है चेक कीजिए, ये है रो 2 में, रो 2 में है, तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन रो 2 में करनी है, तो रो 2 इज इक्वल टू रो 2 लिखा। अब रो 2 है 2, 2 में से क्या माइनस करोगे कि 0 आए, 2 में से 2 माइनस करेंगे भाई, ठीक है, आर 2 माइनस 2, लेकिन कोई स्केलर माइनस नहीं कर सकते, तो जहां 1 लेके आए होते हैं वो किस रो में है वो साथ में लिख दीजिए, वो रो 1 में था, जो अभी 1 लेके आए हो वो रो 1 में है। तो R2 इज R2 माइनस 2 टाइम्स R1, मैंने ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, RI इज RI और मैंने प्लस माइनस लिखा, या तो प्लस करो या माइनस, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक के टाइम्स RJ, ठीक है। तो अब आप जब ये करेंगे, इसका मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ रो 2 में कर रहे हैं, रो 1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, इसलिए रो 1 के एलिमेंट को एज इट इज लिख दीजिए। अब रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन है, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, यानी 2 माइनस 2 टाइम्स 1 0, 1 माइनस 2 टाइम्स 1 तो माइनस 1,
1 माइनस 2 टाइम्स 0 1 0 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 2 जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर किया है वही इधर करना है सेम। चलिए जी अब मेरा ये था कि पहला स्टेप यहां 1 बनाना बन गया, दूसरा स्टेप यहां 0 बनाना वो भी बन गया, तीसरा स्टेप है यहां 1 बनाना। यहां 1 बनाने के लिए मुझे यहां पर दिख रहा है कि यहां माइनस 1 है और माइनस 1 को 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय माइनस करना पड़ेगा, तो मैं रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूं, रो 2 इज रो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, यानी रो 1 में कोई इंटरचेंज कोई चेंज नहीं है इसलिए रो 1 को मैं एज इट इज लिखूंगी, रो 1 है 1101, रो 2 में सिर्फ साइन चेंज किया है 0 प्लस 1 हो जाएगा इधर और इधर माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2। चलिए जी अब मैं इधर देखूंगी, मेरा पहला स्टेप था 1 लेके आना आ गया, दूसरा स्टेप था 0 लेके आना आ गया, तीसरा स्टेप था इधर 1 लेके आना वो भी आ गया, चौथा स्टेप है इधर देखिए लास्ट स्टेप है इधर 0 लेके आना, इधर 0 लेके आना। अब इधर जो 0 लेके आना है ये यहां पर आपको 0 लाना है ये रो 1 में है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन रो 1 में करनी है रो 1 में, लेकिन क्या करें अब ये कैसे 0 आएगा इसको यूज करना मतलब हमेशा अब जिसमें 1 बनाया होता है उसी को यूज करके कैसे तो इन दोनों को सेपरेट कर दो, दिस माइनस दिस 1 माइनस 1 तो r1 इज r1 माइनस 1 टाइम r2 या कह लो r1 माइनस r2 सेकंड वाली ट्रांसफॉर्मेशन के ri कैन बी रिटन एज ri प्लस माइनस rg, कोई भी दो रो को आपस में ऐड या सबट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं तो मैंने इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, लेकिन ये ध्यान को इधर r1 है तो इधर r1 पहले लिखेंगे जैसे मैंने इधर लिखा था, देखो r2 है तो इधर पहले r2 तो r1 इज r1 माइनस r2 तो यानी आप ट्रांसफॉर्मेशन अब r1 में कर रहे हैं r2 में नहीं कर रहे इसलिए r1 r1 में ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एज इट इज अभी मत लिखिए सॉरी r2 में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है उसको एज इट इज लिखना है, r1 में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है r1 माइनस r2 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 1 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। तो यहां पर ये i आ गया ये a है तो इसका मतलब यहां i है इधर a है तो इसका मतलब ये क्या है ये a इनवर्स है तो हमारे पास a इनवर्स आ गया, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2। देखो इसकी ट्रिक भी होती है डायरेक्ट 2 बाय 2 ऑर्डर में डायरेक्ट इनवर्स निकालने की जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी वो फोर्थ चैप्टर जब करवाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी जब एडजॉइंट बताया जाएगा डिटरमिनेंट बताया जाएगा दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू। तो अभी इसका सेकंड क्वेश्चन सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।